हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के फूले फूले परांठे। वैसे तो मैंने दो तीन बार हमारे जो चैनल में आलू के परांठे का वीडियो डाल चुकी हूँ और ये एकदम इजी तरीके से है। आप भी इस तरह से घर पे ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। और ये देखिए कितने अच्छे से ये मसाला अंदर लगा हुआ है, बाहर भी बिल्कुल भी नहीं लगा है और बिल्कुल भी हमारा परांठा फटा भी नहीं है। अब हम लेंगे कढ़ाई, इसमें मैंने दो चम्मच ऑयल डाला है। इसमें हम आधी छोटी चम्मच काली सरसों और आधी छोटी चम्मच जीरा डाल के और एक प्याज काट के इसमें डाला है और ये ब्राउन होने तक स्काई करेंगे। इसमें पत्ता गोभी डाली है और इसकी स्काई करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच नमक। तो इससे क्या है कि जो ये पत्ता गोभी ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और अब इसमें डालेंगे उबले हुए चार पांच आलू, तो जो मैंने छोटे टुकड़े में कट करके डाल दिया था, और इसको मैश कर लेंगे। इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला इसमें मैंने डाल दिया है और इनको करेंगे मिक्स। और ये देखिए आलू को एकदम मैश कर लिया है और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डालेंगे और एक नींबू का रस डालेंगे। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें आप कच्चा धनिया भी डाल सकते हैं, सर्दियों में बहुत सारा कच्चा धनिया आता है, तो इससे भी हमारे आलू के परांठे बहुत अच्छे बनेंगे। और इस तरह से मैंने ये सॉफ्ट आटा लगा के तैयार किया है। जैसे हम रोटी बनाते इतना सॉफ्ट आटा लगाएंगे तभी आपके जो आलू के परांठे हैं वो सॉफ्ट भी बनेंगे, फुले फुले भी बनेंगे और वो साइड में फट के मसाला बाहर नहीं आएगा। और मैंने नींबू से बड़ी आकार की लोई बनाई है। इसमें हमने सूखा आटा लगा के हल्के हल्के हाथों में छोटी सी हमें ये इस तरह से रोटी बेलनी है और इसके बीच में एकदम सेंटर में हमें आलू का मसाला डालना है और इस तरह से इनके किनारों को इस तरह से हाथों में ऊपर की तरफ इस तरह से दबाना है और बीच में सेंटर के अंदर ये इसको हम दबा देंगे। और अब हम लेंगे सूखा आटा लगा के और हल्के हल्के हाथों से हमें ये पूड़ी बेलनी है। इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी टाइट हाथ नहीं करना है क्योंकि नहीं तो फिर ये फट जाएगा और मसाला बाहर निकल जाएगा और ये अच्छा हमारा आलू का परांठा नहीं बनेगा। एकदम हल्के हल्के हाथों से बनाना है। ये हमने लिया है तवा जिसमें हम रोटियां बनाते हैं और ये गर्म होने के बाद इसमें हमने डाल दिया है एक मिनट तक। ये ऊपर से ड्राई होने के बाद इसको हम उलट देंगे और इसमें हम लगाएंगे ऑयल। ऑयल चारों तरफ से हमने लगा दिया है और इसको वापस हमने उलट के इसमें वापस हमने ऑयल लगाएंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है क्योंकि इस ये अच्छे से सिकाई हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये आलू का परांठा कितना अच्छी तरह से फूल के तैयार हुआ है। और यही एकदम परफेक्ट तरीका है कि आप आलू का परांठा इस तरह से बनाएं। और आटा आपको सॉफ्ट ही लगाना है, टाइट अगर आटा लगाएंगे तो आपके आलू के परांठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये एक टिप्स है, आप ज़रूर फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप लाइक शेयर कमेंट करना। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।